और मेरे पास है शेर। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी गाड़ी को निकाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, हमें पता है, पर थोड़ा बिजी था अपने काम पे, तो इसलिए मैं वीडियो अपनी नहीं डाल पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए वीडियो मैं डेली ही लाने की कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिलता है तो। तो गाइस, आज मैं निकालने वाला हूँ अपनी जीप को। मैंने इसे बहुत दिन से नहीं चलाया है, और दोस्तों काम होता है इसमें कार से, मतलब कहीं आते जाते हैं तो हम लोग कार से चले जाते हैं, इसलिए दोस्तों जीप बहुत ही कम चलती है। तो आज इसे स्टार्ट करेंगे, और दोस्तों भी बारिश हुई है तो आप सबको थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे और जीप ड्राइव करके भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, वीडियो में आप सबके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी जीप के अंदर, और आप सब देख सकते हैं मेरी जीप कितनी चल चुकी है अभी तक में। स्क्रीन शॉट लेके आप सभी चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को तेल चेक करा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस, अभी उस दिन मैंने टंकी फुल कराई थी और उसी टाइम थोड़ा गाड़ी अपनी चली थी। और दोस्तों, यहाँ की स्क्रीन लगी हुई होती है। सबसे पहले आपको गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो गाड़ी को पहले हम न्यूट्रल करते हैं, अपने क्लच दबाएंगे, गाड़ी न्यूट्रल करेंगे, और इसके बाद आप सबको आवाज़ सुनाता हूँ और स्टार्टिंग भी चेक कराता हूँ कि कैसे स्टार्ट होती है, एक बार में होती भी है या नहीं। तो गाइस, गाड़ी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, वो भी एक बार में हो गई है। और दोस्तों, मैट मैंने इसलिए नहीं बिछाई क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जब पानी गिरता है ना तो मैट में पानी लग जाता है और इसमें रस्ट आने की दिक्कत आने लगती है, इसलिए मैंने मैट नहीं बिछा रखा है। बाकी अपनी गाड़ी एज इट इज़ वैसी की वैसी है जैसी है, और मेरा भाई भी मेरे साथ चल रहा है। तो चलिए गाड़ी को बाहर निकालते हैं। 12 seconds later. दिनों बाद मैंने अपनी गाड़ी को निकाला है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत दिनों बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, तो कुछ भी हल्का लैग भी हो, बट गाइस ऐसा लग रहा है कि इसे डेली ही यूज करते हैं उसी टाइप के लग रहा है, फील आ रही है। इंजन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिकअप मिल रहा है हमें। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे इसका माइलेज क्या है। दोस्तों मैं सही बताऊँ, इसका माइलेज मैंने कभी चेक ही नहीं किया, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों क्या है कि गाड़ी तो रखे हैं, अब चाहे ये 5 की माइलेज दे या 20 की माइलेज दे, गाड़ी तो हमें चलाना ही है, तो माइलेज से ऐसे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप पर इतना भी नहीं कि अब ये 2 का माइलेज दे तो इससे होगा कि आपके इंजन में फॉल्ट है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना जाना जाना। तो ऐसे रास्तों में गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ खुला हुआ एरिया है, और अपनी गाड़ी हवा की तरफ ही जा रही है। अब यहाँ पे ब्रेकर कौन बना दिया यार, ये मज़ा। पर मेरे पास है शेर, जिसको किसी चीज़ों से डर नहीं लगता। तो दोस्तों, उस लोकेशन में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे थोड़ी शांति है और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ अच्छे से। तो ये रही अपनी जीप, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। मतलब दोस्तों, मुझे इस गाड़ी से उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने दिनों बाद मैं इसे चलाता हूँ तो मतलब थोड़ा सा भी लैग हो इंजन में, एक फिर थोड़ा सा ब्रेकिंग, मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि मतलब इतने दिनों बाद मैंने इस गाड़ी को चलाया हुआ है। कई सारे भाई मेरे से पूछ रहे थे कि इसको मॉडिफाई कब करवाओगे। दोस्तों बहुत जल्द इसको मैं मॉडिफाई करवाऊंगा, अभी कुछ दिक्कतें हैं, इसे मॉडिफाई मैं नहीं करवा सकता हूं, वो थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसे मैं जब मॉडिफाई मैं इसको करवा लूंगा तब मैं बताऊंगा। और दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी अपनी फिर से गंदी हो चुकी है, इसको घर जाके मैं तुरंत साफ़ करने वाला हूं। और कुछ ऐसा इसका साइड लुक, और एक बार मैं इसको पीछे से भी दिखा देता हूं। कुछ ऐसी है अपनी गाड़ी, और ये हो रहा है यहाँ पे सनसेट, काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। वाओ, ये इंडिकेटर आप सब ने देखा होगा टूट गया था। दोस्तों मैंने इसमें नया डलवाया था, फिर से दोस्तों ये टूट गया, क्या ही बताऊं। मतलब जब मैं चलाता हूं तब तो ठीक ठाक रहता है, और दोस्तों अगर घर से भी अगर कोई गाड़ी लेके अगर चला गया तो पक्का कुछ ना कुछ कर देता है। और दोस्तों रोक तो सकते नहीं किसी को हम गाड़ी चलाने से। इसको एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं मॉडिफाई कराऊँगा। 2000 years later. तो
तो आ चुके हैं अपने घर। और दोस्तों अगर आप सबकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है।